Hello everyone, this is Tanay Singh Gehlot, student of SVIFS Indore. I am here to explain my topic, pornography and cybercrime related to it. इंट्रोडक्शन, जो वर्ड पोर्नोग्राफी है दो ग्रीक वर्ड से बना है. एक है पोर्न, इसका मतलब प्रोस्टिट्यूट, और दूसरा है ग्राफिन, इसका मतलब राइट. जो वर्ड पोर्नो है उसका मतलब होता है प्रोस्टिट्यूशन. इसका मतलब ये इम्प्लाइज करता है दैट सब्जेक्ट इज नॉट लव और लव एट ऑल. और जो वर्ड ग्राफोस है इसका मतलब होता है राइटिंग अबाउट. अब हिस्ट्री ऑफ साइबर पोर्नोग्राफी. अर्लियर 1990s, फरवरी 1993 में इंटरनेट जो हुआ पब्लिक के लिए, इंटरनेट पब्लिकली प्रेजेंट हुआ. और मार्च 1993 में लार्जेस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री में चालू हुई. और 1995 में एक स्टडी ने कंडक्टेड हुई थी, उससे ये पता चला कि जो 80% ऑफ इंटरनेट यूसेज है वो पोर्नोग्राफी के लिए होता है. और 1996 में कम्युनिकेशन डीके एक्ट क्रिएट हुआ. और 1996 में एक एसोसिएशन बना जो एडवोकेट कर रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए. और 2004 चाइना अटेम्प्ट टू बैन इंटरनेट पोर्नोग्राफी. और इन 2007 इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डन. 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 286 पोर्न साइट्स को बैन करेंगे. डेफिनेशन ऑफ पोर्नोग्राफी अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन और एग्जीबिशन ऑफ सेक्सुअल सब्जेक्ट और एक्टिविटी इन लिटरेचर, पेंटिंग, फिल्म एक्सेट्रा इन अ मैनर इंटेंडेड टू स्टिमुलेट इरोटिक रेदर देन एस्थेटिक फीलिंग लिटरेचर एक्सेट्रा. इसका मतलब ये किसी भी टाइप का एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन या सेक्सुअल सब्जेक्ट एक्टिविटी को ऑक्सफोर्ड ने पोर्नोग्राफी कहा है. अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, राइटिंग पिक्चर एक्सेट्रा इंटेंडेड टू अरस सेक्सुअल डिजायर, मतलब कोई भी राइटिंग पिक्चर जो इंटेंड करे और अरस करे सेक्सुअल डिजायर किसी पर्सन का, या द प्रोडक्शन ऑफ सच राइटिंग पिक्चर एक्सेट्रा नॉन एज पोर्नोग्राफी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्नोग्राफी, इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू स्टिमुलेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट. इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है वो है ना स्टिमुलेशन होता है सेक्सुअल इंटरेस्ट का और एक्साइटमेंट क्रिएट करने का. और जो पोर्नोग्राफी होती है वो विजुअल ऑडियो मटेरियल होता है जो कंबाइंस करते सेक्स और डिग्रेडेशन इन अ मैनर दैट अपेयर्स टू, जो इनकरेज करता है सच बिहेवियर. Types of pornography. According to the report of the Attorney General Commission on Pornography in 1986, pornography is broadly of two types, hardcore pornography and softcore pornography. Hardcore pornography, it is still photography or video footage that contains explicit form of pornography, most commonly including depiction of sexual act. इसका मतलब ये कोई भी still photograph या video footage होता है जिसमें explicit form of pornography present हो और जो include करता है sexual acts को. और इट यूजली टेक्स द फॉर्म्स ऑफ पिक ओपन डिस्प्लेड इन मैगजीन और ऑन द इंटरनेट और फिल्म एंड कार्टून. इसमें अधिकतर वो फॉर्म होते हैं पिक्स के जो मैगजीन में डिस्प्लेड हो या ऑन द इंटरनेट हो या कोई भी फिल्म या कार्टून में प्रेजेंट हो. सॉफ्ट कोर पोर्नोग्राफी, इट इज़ अ कमर्शियल स्टिल पोर्नोग्राफी और फिल्म दैट हैज़ अ पोर्नोग्राफिक और इरोटिक कंपोनेंट. ये कमर्शियल या स्टिल फोटोग्राफ या फिल्म होती है जिसमें पोर्नोग्राफिक और इरोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. It is intended to be arousing and authentically beautiful. It is designed to visual, aesthetic or seduction. और ये design होती है seduction create करने के लिए. ये less sexually graphic होती है और intensity होती है hardcore pornography से. और जो hardcore pornography होती है वो society को ज़्यादा affect करती है softcore से. अब हम देखेंगे child pornography. चाइल्ड मतलब कोई भी चिल्ड्रन जिसकी एज 18 ईयर से कम हो या उससे ज़्यादा हो पर वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल हो. और चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब एनी रिप्रेजेंटेड और विद द चाइल्ड इज एंगेज और इन्वॉल्व इन रियल और स्टिमुलेटेड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी. कोई भी रिप्रेजेंटेशन जिसमें चाइल्ड एंगेज हो या इन्वॉल्व हो रियल या स्टिमुलेटेड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज में. चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन. चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो चाइल्ड के सेक्सुअली एक्सप्लोइटेशन उसमें होता है. जो फेडरल लॉ ने डिफाइन करा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कोई भी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट जिसमें कोई माइनर इवॉल्व हो. और इमेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी आर ऑल्सो रिफर टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. जो इमेजेस होती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को उसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज भी माना गया है.
According to law, it is a crime to produce, possess, distribute or sell any pornographic material that exploits a minor. कोई भी लॉ में कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को प्रोड्यूस करना, पोजेस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बेचना जिसमें माइनर एक्सप्लॉइट होता है या इन्वॉल्व हो, वो क्राइम है। जब भी कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉस वायलेटेड होते हैं तो ऑफेंडर को फेस करनी पड़ती है पेनल्टीज और प्रिजन। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉस होता है उसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेट को भी इंक्लूड करा है, जो जिससे शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल। अनलॉफुल और प्रोहिबिटेड एक्ट टू हायर, एम्प्लॉय, यूज, परस्यू, इंड्यूस और स्पॉन्सर अ चाइल्ड टू परफॉर्म इन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। किसी भी चाइल्ड को हायर करना, एम्प्लॉय करना, यूज़ करना और उससे परफॉर्म करवाना, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन के लिए वो एक अनलॉफुल या प्रोहिबिटेड एक्ट। बी टू प्रोड्यूस, डायरेक्ट, मैन्युफैक्चर और क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना, मैन्युफैक्चर उसके क्रिएट में हेल्प करना, ये भी एक अनलॉफुल एक्ट है। टू पब्लिश, ऑफर, ट्रांसमिट, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, ब्रॉडकास्ट, एडवर्टाइज, प्रमोट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पब्लिश करना या ट्रांसमिट करना या उसको बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्रॉडकास्ट करना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, उसको प्रमोट करना या उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी एक अनलॉफुल एक्ट माना गया। डी फॉर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर्स एंड टेली कम्युनिकेशन कंपनीज बाई देमसेल और इन कॉपरेशन विद अदर एंटिटीज टू डिस्ट्रीब्यूट एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कोई भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या थिएटर्स के लिए या टेली कम्युनिकेशन कंपनीज के लिए उनके खुद के द्वारा या किसी और के इन कॉपरेशन से वो एंटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या दिखाना भी एक अनलॉफुल एक्ट माना गया है। और कोई पेरेंट्स के लिए या लीगल गार्डियन के लिए और कोई पर्सन के जिसके कस्टडी या कंट्रोल में चाइल्ड हो, उन्हें पता होने के बाद भी वो चाइल्ड को उसमें एंगेज करना है, पार्टिसिपेट करने देना भी एक अनलॉफुल एक्ट है। एक टू एंगेज इन द लर्निंग और ग्रूमिंग ऑफ अ चाइल्ड, टू एंगेज इन पेंडरिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, टू विलफुली एक्सेस एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, टू पोज एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब भी एक अनलॉफुल एक्ट माना गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? कोई भी ऑफिसर या सोशल वर्कर या रिप्रेजेंटेटिव कोई चाइल्ड केयरिंग इंस्टीट्यूशन का जिसके पास लाइसेंस हो, या कोई भी ऑफिसर या सोशल वर्कर DSWD डिपार्टमेंट का। DSWD मतलब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, या कोई भी लोकल सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट। अब एक कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में जो प्राइवेसी है चाइल्ड की वो सेफ होना चाहिए। द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड शैल बी इंश्योर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के इन्वेस्टिगेशन में, पूरे कोर्ट प्रोसीजेशन में और ट्रायल में जो प्राइवेसी है चाइल्ड की वो सेफ रहना चाहिए। थैंक यू, हो गया खत्म।